योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदुस्तान की नारी शक्ति मातृ शक्ति को संजीव कुमार का नमस्कार। प्लीज बैठ जाइए। अभी तो मैं कहता हूं आदमी होते तो बैठ जाते, थक जाते। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर SNPS परिवार की नारी शक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है। दोस्तों नहीं बहनों, तो नारी शक्ति सम्मान का प्रतीक है, पहचान का प्रतीक है। नारी जगत जननी है। नारी को अगर कोई पहचान ले, नारी को अगर कोई जान ले, जैसे कि अभी मिसेस बबीता फोगाट जी ने बताया कि उनके पिता ने पहचाना कि मेरी बेटियां क्या कर सकती है, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा भी, पिक्चर भी हमने देखी है कि बेटियां बेटों से भी बड़ा काम कर सकती हैं, और वो इनके परिवार ने करके दिखाया। इंस्पिरेशन है मैडम आप लोग, आपका परिवार हिंदुस्तान के हर घर के लिए, क्योंकि बेटी के लिए हम सबके लिए इंस्पिरेशन परिवार है। वो इंस्पिरेशन हमने 3-4 बार फिल्म देखी, और रियली मैं बताऊं, मैं फिल्म में रोया हूं कई बार, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, कई बार रोया उस फिल्म को देखकर, क्योंकि ये बात मुझे समझ में हमेशा से आती है कि नारी जो करती है, जो पीड़ा सह सकती है, जो तकलीफें सह सकती है, पुरुष नहीं सह सकता। पुरुष तो बहुत जल्दी बिखर जाता है, लेकिन नारी नहीं बिखरती। किसी के घर में कितनी तकलीफें आ जाएं, आदमी कमा नहीं रहा, घर में दिक्कत है, तकलीफ है, वो औरत ही होती है जो पीछे वो नारी खड़ी होकर कहती है, चिंता मत करो, जो है उसमें ही गुजारा कर लूंगी, हिम्मत मत हारो। तो नारी होती है, नारी होती है जो जगत जननी है, जो आज जन्म हो रहा है दुनिया का, वो नारी है जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है। वो नारी होती है। मेरी माँ कौन है? वो एक महिला है। मेरी बीवी कौन है? वो एक महिला है। अगर ना आज मेरी माँ होती, ना मेरी बीवी होती, तो संजीव कुमार यहाँ ना होता। तो ये हमें समझना चाहिए, हिंदुस्तान के समाज को, ये पुरुष प्रधान देश नहीं है, ये दुनिया पुरुष प्रधान नहीं है। सही पूछे तो ये दुनिया नारी प्रधान है। नारी से उत्पत्ति हुई है इस संसार की। अगर नारी ना होती तो ये संसार ना होता। रियली में ये संसार नारी प्रधान है। माँ पैदा करती है हमें, माँ पालती है, माँ तकलीफें सहती है, इतनी त्याग करती है वो माँ करती है। तो दोस्तों बहनों, आज ये फैसला करके हमें यहां से जाना है कि हमें अपने आप को पहचानना है। आप लोगों के पास हमेशा से हिम्मत रही है, हमेशा से जज्बा रहा है। हर मैंने भी घर चलाया है, मेरा भी परिवार है, मुझे भी कभी बच्चे हुए थे, मेरे पास भी 5-7 हज़ार रुपये महीने की जिंदगी मेरे पास भी थी, आज 4 करोड़ों की है, लेकिन एक दिन थी। तो मुझे पता है मुझे किसने संभाला, मुझे पता है मुझे हिम्मत किसने दी, मुझे मैं जानता हूं कि एक नारी क्या कर सकती है, एक नारी एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। मेरी वाइफ थी जिसने हमेशा कहा कि तुम दुनिया जीत सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम टेंशन मत लो, परिवार मैं संभाल लूंगी, और अगर कहते हो तो बिजनेस भी तुम्हारे साथ संभाल लूंगी, पर टेंशन मत लो। तो आप लोगों को भी ये जानना है, ये समझना है कि आप क्या हो। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। जो त्याग आप कर सकते हो, जो समर्पण आपके अंदर है, जो मेहनत आपके अंदर है। अरे आदमी 8 घंटे नौकरी करता, आगे ऐसे सो जाता है तार के जैसे, पता नहीं क्लास जीत के आया हो। और वो जो माता, वो माँ जो होती है बच्चों की, सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे उठते ही घर का चौका भरता, झाड़ू, ये वो, फिर बच्चे तैयार करना, स्कूल भेजना, बाद में कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम का खाना बनाना, सबको खिलाना। और लोग कहते हैं कि औरतें क्या करती हैं। मैं कहता हूँ जो औरतें करती हैं, इंसान मर्द तो कभी कर ही नहीं सकता। ये हिम्मत, ये कर्मठता, कर्मठता, कर्म करना, आलस ना करना, एक्टिव रहना। अगर किसी को सीखना है तो आपको नारियां सिखा सकती हैं, महिलाएं सिखा सकती हैं कि कैसे इंसान टूटता नहीं है, सुबह 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक भी हंसते हंसते काम करती है।
तो बहुत हो गया, पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान पुरुष प्रधान बहुत हो गया। मैं भी पुरुष हूं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बेटी मुझे भी है, बीवी मेरी भी है, माँ मेरी भी है। हम एसएमएस वाले बनाएंगे इस देश को नारी प्रधान। बहुत हो गया चूल्हा चौका, बहुत हो गया ऊंचा लगा के फिटनेस नहीं लानी, समझे? ऊंचा लगा के फिटनेस नहीं लानी, जिम में जाके फिटनेस लानी है, मेहनत करके फिटनेस लानी है। तो आप लोगों ने करके दिखाया। जब वुमेन्स डे आया इंटरनेशनल तो मैंने कहा बस इस साल से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारी कंपनी में भी नारी शक्ति प्रधान होती जा रही है। किसी ने कहा नारियां कुछ नहीं कर सकती, आज हमारा बिजनेस कैसा है, लोगों से मिलना है, घर घर जाना है, घर घर के दरवाजे खटखटाने हैं, वो काम आप लोगों ने करके दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग आप लोगों ने करके दिखाई। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एसएमपीएस वेलनेस में 4 से 5 करोड़पति लेडीज निकल चुकी है। और आने वाले समय क्या है वो आज आगाज कर रहे हैं, हम आज आगाज कर रहे हैं कि क्या करेंगी एसएमपीएस की महिलाएं, क्या करेंगी एसएमपीएस की नारियां। मुझे पूरा यकीन है एक दिन 1,000 महिलाएं करोड़पति बनेंगी हमारे बिजनेस। और एक वादा करता हूं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज दिल्ली में, जिस दिन 100 डायमंड एसएमपीएस में नारियां होंगी, महिलाएं होंगी, 100 डायमंड सेलिब्रेशन संजीव सर आपके सिंगापुर में करेंगे अपने खर्चे पर। मैडम नोट डाउन कर लेना, 100 डायमंड सेलिब्रेशन पुरुषों का क्या हुआ था, गोवा में हुआ था, नारियों का होगा सिंगापुर में। सारा खर्चा मेरा, आना जाना सब मेरा। तुम अब मुझे हिम्मत दो, सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे हिम्मत दो मैं तुम्हें हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में पहचान दिलाऊंगा। हिम्मत दो हिम्मत, और वो हिम्मत जो तुम लोगों से मुझे मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि आज अगर कोई ईमानदार होती है वफादार होती है तो नारी होती है। आदमी बहुत हरामी होते हैं, उनमें मैं भी एक हूं। एक बार क्या हुआ, मैं जब भी बाजार जाता अपनी बीवी के साथ तो कोई भी अच्छी लड़की दिखती तो मैं देखने लग जाता था। तो आदमी तो होता ही है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा घूमती हैं। तो मेरी वाइफ सब नोट सब करती है, जानती तो सब है, बोलती नहीं। फिर एक दिन बोली भाई एक बात बताओ, जब भी तुम बाजार जाते हो कोई भी अच्छी लड़की मिले तो ऐसे आंख अड़ा के देखती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही लड़कियां अच्छी लगती हैं? हमें भी मर्द अच्छे लगते लेकिन तुम्हें और हमें फर्क इतना होता है कि हम अपने परिवार की इज्जत सम्मान तुम्हारा मान तुम्हारी पहचान हम खुद पे कंट्रोल रख सकती है, तुम लोग अपने पे कंट्रोल नहीं रख सकते। ये नारी की ताकत है, ये समर्पण होता है लोगों का, इसको पहचानना है। आज हमारे मोदी जी ने भी नारियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आत्मनिर्भर भारत, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत अगर किसी इंडस्ट्री में बनेगा, अगर आत्मनिर्भर कोई इंडस्ट्री बनाएगी हिंदुस्तान की महिलाओं को या पुरुषों को, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन पूछता था हमें जब तक आप लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे, कौन पूछता था, कौन पूछता था? टैलेंट चाहिए, सिंगर बनना है टैलेंट, एक्टर बनना है टैलेंट, सिंगर बनना है, डांसर बनना है टैलेंट, रेसलर बनना है टैलेंट, बॉक्सर बनना है टैलेंट। अगर किसी नारी के अंदर टैलेंट नहीं है उसे कोई पूछता ही नहीं था, उसको तो अबला नारी का नाम दिया गया है, अबला नारी। हमने नारी को अबला से मजबूत नारी बना के दिखाया है, मजबूत नारी, सम्मान्य नारी, प्रगतिशील नारी। ये आपको इस बिजनेस में आगे मिला, किसी ने नहीं पूछा आपको, देखिए इस इंडस्ट्री ने पूछा।
तो इसलिए हमें इस इंडस्ट्री की पूजा करनी चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री के प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए। एक हमारे अंदर एक आत्मीयता से हम यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि कोई हमें नहीं पूछता अगर ये इंडस्ट्री ना होती तो। और मैं जो भी मुझे सुने, बाद में सुने, अभी सुने, मैं उन पुरुषों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं मेरी बीवी घर से बाहर क्यों है, रात को लेट क्यों आई है, फलाना ढिमका। अरे भाई, एक वो था, एक हरियाणा में ब्याह हो रहा था, शादी, तो एक पंडित था, पांच छह पोती पोत्र लेके जाता था, तब जाके फेरे पूरे करता था, बड़ा ज्ञानी पंडित था। तो भाई उसने मंत्र शुरू किए, शादी होने लगी, तो शादी जो है तीन फेरे में खत्म कर दी उसने। तो वहां जितने भी लोग बैठे थे, गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, समझदार, बोला रे पंडित जी, तू तो बहुत मंत्र जानना है, फिर तीन फेरे में क्यों खत्म कर दी, सात फेरे की शादी होती है। बोला भाई सुन, टिक जाएगी तो तीन में टिक जाएगी, ना पूरी रात चक्कर कटाता रहे। तो भाई ये मैसेज उन लोगों के लिए है, उन माताओं के लिए, उन पिताओं के लिए, उन पतियों के लिए जो कहते हैं मेरी बीवी घर से बाहर जाएगी तो पता नहीं बिगड़ जाएगी। भाई बिगड़ेगी तो घर रह के बिगड़ लेगी। तो इन्हें फ्रीडम दो, इन्हें भगवान ने जन्म दिया है, कहते हैं परमात्मा ने जिसको भी जन्म दिया है जीने के लिए दिया है, हमारा किसी की आजादी छीनने का ना किसी पति को ना किसी पिता को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जन्म उसने दिया है, हमें अपना जीवन जीने के लिए दिया है। और हम अपना जीवन जी के जाएंगे, मर्जी का जीवन जी के जाएंगे, हम किन गुलामों की बंदिशों में नहीं फंसेंगे, हम जंजीरों में नहीं है, बेड़ियों में नहीं है। और मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पतियों से, पिताओं से, कि इनको फ्रीडम दो। ये बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ किया है, आज थोड़ा मॉडर्नाइज आया है, चीज़ें होने लगी हैं, माँ बाप अपनी बेटियों की बात सुनने लगे हैं, उन्हें फ्रीडम तो उन बेटियों ने करके दिखाया है, जहाज उड़ा के दिखाया है, स्पेस में जाके दिखाया है, रेसलिंग में गोल्ड मेडल ला के दिखाया है, ओलंपिक जैसे भी। मैडम बता रही थी कि हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोग हैं, 75 करोड़ पुरुष थे, कहाँ गए? जब ओलंपिक हो रहे थे तो महिलाएं मेडल लाके दी, उन्हें फ्रीडम दी गई थी, उन्हें हिम्मत दी गई थी, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया था, उनका साथ खड़ा हुआ गया था, तब जाके ये लोग बनते हैं। ये नारियां, ये महिलाएं तुम्हें कुछ भी बना सकती है, हर पिता को, हर पति को सम्मानीय बना सकती है, उसे गौरव महसूस होगा कि उसकी पत्नी ने उसे कहां पहुंचा दिया, उसकी बेटी ने उसे कहां पहुंचा दिया। बस शर्त है वो फ्रीडम दे, दिल से उनके साथ डटके खड़ा हो कि तू जो चाहती है कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। तो अगर किसी का पति ना माने तो मेरे पास ले आना, प्यार से मानेगा नहीं तो फिर मुझे मनाना आता। तो ये क्यों काम कर रही है, ये किसके लिए काम करती है? अरे सर, मैंने भी अपने जीवन के कई साल निकाल दिए, मैं इतनी कुर्बानी अपने बच्चों के लिए नहीं दे सकता जितनी उसकी माँ देती है। ये लोग 100% परिवार के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। महिलाएं का जितना डेडिकेशन परिवार के प्रति है पुरुषों का नहीं होता। वो बाजार में जाके चार पैक शराब पी के आ जाएगा, बच्चों के कपड़े नहीं लाएगा, लेकिन एक महिला तन पे कपड़ा नहीं पहनेगी, पहले बच्चों को कपड़ा पहनाएगी। ये होता है, ये मैंने देखा है, महसूस किया है। तो इनको रोकना नहीं बनता, इनको हिम्मत देना बनता है, इनके साथ खड़ा होना बनता है, इनकी तकलीफों में इनका साथ देना बनता है, ये जो चाहती है वो प्लेटफॉर्म देना बनता है, और जो इनकी चाहत है उसे पूरा करवाने में किसी पिता का या पति का जितना मर्जी पैसा लगे, पसीना लगे, उसे लगाना चाहिए, क्योंकि यही है जो परिवार के लिए करती है। तो आने वाले समय में नारियां इस देश की सम्मान होंगी, पहचान होंगी। और एसलीपीएस वेलनेस में सबसे ज्यादा, अगर दुनिया में कोई कहेगा किसी संस्था में वो मैं करोड़पति मिलियनर बिलियनर कहां पर है, तो एसलीपीएस वेलनेस का नाम मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। आप लोगों को कोई तकलीफ हो, कभी कोई परेशानी हो, कोई भी मटर कस्ती हो, कोई लीडर साला ब्लैकमेल करता है, कुछ भी बोलता है, कोई दिक्कत हो मुझे बताना। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये कंपनी कैरेक्टर से भरे हुए लोगों की है। जिसके पास करैक्टर है वही लीडर है। तो आप लोगों के हर सुख में दुख में मैं हमेशा साथी रहूंगा। और पविता मैडम, आपका तो कितना मैं धन्यवाद करूं। मैंने कहा मैं आपकी फिल्म देख के दो बार तीन बार रोया हूँ। अभी भी आप आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि गूज़बम्प्स ऐसे नहीं आ जाते।
घूस बम्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से नहीं आते कि भाई क्या किया आप लोगों ने। तो जैसे बबीता मैडम ने रेसलिंग में दुनिया में नाम चमकाया है, हम दर्द सेलिंग में दुनिया में अपना नाम चमकाएंगे। टाइम फ्रीडम लाएंगे बच्चों के लिए, मनी फ्रीडम लाएंगे, बच्चों की आंखों में तकलीफें नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम हमेशा से कर्मशील थी, कर्मठ थी, बसरते फर्क इतना था, वो कर्मशीलता घर में दिखाई जा रही थी, घर के कामों में दिखाई जा रही थी, अब ये कर्मठता, ये कर्मशीलता बाजार में जाके दिखानी है। ना तुम पहले हारी थी, ना आज हारी हो, और ना ये नारियां कभी हारेंगी। तो सिंगापुर के लिए तैयार हो, तैयार हो। अभी गोवा कितने लोग आ रहे हैं इसमें? एक बार ताली होनी चाहिए गोवा चीवर से। आपसे ज्यादा, आपसे ज्यादा जिंदगी को कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज्यादा सैक्रिफाइस कोई नहीं कर सकता। आप में जो है मैं कह रहा हूं वो किसी में नहीं, ये मैंने महसूस किया है। आपको बस ये समझना है को जो जीवन आपने जिया है वो आपके बच्चे ना जिए, बस ये समझना है, इसके सिवा कुछ नहीं समझना। Yes, yes, आपको ये समझना है जो स्ट्रगल आपने की है वो आपके बच्चे ना करें। आपको ये समझना है कि जो आज आपको मालूम है आजकल ये बेटियों की शादी कैसे होती है, बजट पे शादियां होती है, बजट पे। आप सब अपने बच्चों से बेटियों से बहुत प्यार करते होंगे। अरे यह सुनो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। हर माँ तो करती करती है, पिता हरामी हो सकता है, माता हरामी नहीं होती। ये 99.9% सत्य है। हम सब प्यार करते हैं, लेकिन प्यार क्या है, क्या है सच्चा प्यार? सच्चा प्यार उनकी कामयाबी है, तरक्की है, सक्सेस है। सच्चा प्यार बेटा आई लव यू, बिटिया आई लव यू, ये लव यू सब यू में कुछ नहीं लगता। असली मोहब्बत है कि हम उन्हें खूबसूरत जिंदगी दें। आज आपको मालूम है जब गांव में एक बाप अपनी बिटिया की शादी करता है जो बहुत प्यार करता है, तो बजट के अनुसार लड़का ढूंढता है, फौजी, बीएसएफ वाला, सीआरपीएफ वाला, मास्टर, टीचर, कभी अपनी मर्जी के अनुसार लड़का नहीं ढूंढता। और वो बिटिया जिसे वो बहुत प्यार करता है एक बजट के दायरे में फंस कर बजट की जिंदगी जीती है। वो बिटिया जो बहुत कुछ कर सकती थी वो जाके गोबर उठाती है, क्योंकि उसके शादी में मात्र 5 लाख का खर्चा कर सकता था उसका बाप, 10 लाख का खर्चा कर सकता था उसका बाप, 15 लाख का खर्चा कर, जितना बजट ऊपर होता जाता है बिटिया की आने वाली जिंदगी उतनी खूबसूरत होती जाती है। और अगर उसी बिटिया की शादी में करोड़ रुपए लगते तो किसी राजा परिवार में जाती, पूरी जिंदगी ऐश करती। हमारे बच्चों की जिंदगियां उनके ऊपर कम, हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंड करती। ये बात हमेशा दिमाग में रख के घर से निकला करो। हम अब खुद के लिए नहीं निकल रहे, हम अपनों के लिए निकल रहे हैं। और जब इंसान अपनों के लिए मेहनत करने निकलता है तो जज्बा कुछ और होता है, जोश कुछ और होता है, जनून कुछ और होता है। अपने लिए मेहनत करके इंसान कभी बड़ा नहीं बना, अपनों के लिए मेहनत करके वो कुछ भी कर सकता है। वो जो फौजी आदमी बॉर्डर पे रह के ड्यूटी देता है, गोली खा के मरने को तैयार है, उसके पीछे एक ही कारण है, भारत माता एक कारण है, दूसरा उसका परिवार कारण है। नहीं तो कोई अपनी छाती गोली के सामने नहीं अड़ाता, अपने परिवार के लिए लोग मर जाते हैं। अरे काम करना तो क्या है, काम तो ऐसे हो जाता है, लोग तो मरने को तैयार है अपने परिवार के लिए। ये परिवार के प्यार की ताकत होती है। जो दुबई 2-2 साल रहते हैं, 3-3 साल रहते हैं, 4-4 साल रहते हैं अपने परिवार के लिए, मजदूरी करते अपने परिवार के लिए। जिस दिन आपने अपने परिवार के लिए काम करने का मन बना लिया, अपने बच्चों को खुशियां देने का मन बना लिया, ना कोई नेगेटिविटी आएगी, ना कभी कोई डिप्रेशन आएगा, ना आपका जज्बा कम होगा, ना आपका जनून कम होगा। अरे रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहेंगे, जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते हैं। रोड में अगर मोड़ नहीं होगा तो कोई रोड नहीं बन सकती, सीधी रोडें नहीं होती है, ऐसे चलेगा, लाइफ है, चलेगा, कभी ऐसे बिजली जाएगा, कभी नीचे आएगा, जाएगा आएगा, लेकिन तुम्हें अपनी स्पीड लगातार चलते रहना है। Are you ready? Yes. तैयार हैं? Yes. 100 डायमंड आएंगे? Yes. सिंगापुर जाएंगे? Yes. फंक्शन बनाएंगे? Yes. पार्टी मनाएंगे? Yes. तो आज मैं आपको एक गिफ्ट देता हूं। अच्छा हाँ, एक बात बताने में भूल गया, आप लोगों में सारी खूबियां हैं, एक बहुत तगड़ी कमी है, मुझे बतानी पड़ेगी। जी बताइए। जलन।
जल्दी खो दे। इसका चेक बन गया, बड़ा मेरा नहीं बना। इसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरी नहीं लग रही। ये जो महिलाओं के अंदर ये जो नेचर है ना, ये बड़ा खतरनाक। इस नेचर से आपकी टीम की डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि अगर वो मारती ले आई एंटो ले आई या ओडी ले आई, भाई वो तो ओडी ले आई। किसी का बच्चा अच्छे कपड़े पहन रहा, अच्छे स्कूल में चला गया, उसने तो अपना बच्चा तो स्कूल में डाल दिया। ये जो आपकी कॉम्पिटिशन की भावना है ना, इसको थोड़ा कम करो। पर्सनल कॉम्पिटिशन नारी बहुत करती है,